पाकिस्तान को बने हुए भाईजान, पाकिस्तान को बने हुए 76 ईयर्स हो गए और हमें अब तक ये समझ नहीं आ रहा हेलमेट सर पे रखना या टंकी पे। लेकिन अब तो बच्चा टंकी पे रखे जा रहे होते हैं। हाय हाय हाय, ये टंकी बाइक की बताइए आप। आप देखो बच्चे इतने ज़हीन हैं, आप मैं आपको एक वाकया सुना रहा हूँ, ये हकीकत है। बायोलॉजी की क्लास में टीचर ने एक बच्चे को जानवर के पैर दिखाकर पूछा, बताओ इस जानवर का नाम क्या है। बच्चा कह रहा है लो ये पैर देखे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है। टीचर किसी नाले बदतमीज खड़े हो जाओ तुम्हें सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा कह रहा है मेरे पैर देखे बताइए मेरा नाम क्या है। यार मोमिन भाई, मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है, कह लेंगे अब्बू। मैंने कहा वो कैसे, कह रहा है वो अभी भी अम्मी के साथ ही सोते हैं। तो आप देखो, आप देखो, आप सिचुएशन ये देखे, पाकिस्तान से बाहर जब बच्चा बड़ा, आप तो कभी नहीं सोए होंगे अम्मी अब्बू के साथ अपनी, लोग तो गिरा दिया होगा बैठ से। आज मैं आपके साथ सोऊंगा। बहुत अच्छे यार, कभी कभी हॉरर नाइट ही सही। वाह जी बेला जी वाह, कमाल है तुझे। बेला जी लव यू, लव यू। तो आप थिएटर वगैरह भी किया आपने, यहाँ ढोली बजाया? आज ही शुरू किए और आज ही खत्म करेंगे। करता रहूंगा इंशाल्लाह। इंग्लिश में बात कीजिए मुझसे जी मोमिन भाई। माशाल्लाह मोहब्बत देखिए, 17 इयर्स से दोनों साथ हैं और यूसुफी साहब कहते हैं कि 5 साल के बाद तो मियां बीवी की भी शक्ल मिलना शुरू हो गई। आप लोग की डिफरेंट ही है अभी तक। हाँ सर, बरकत इधर है, हालांकि नाम इसका। देखिए सर, मैं आपके शो के हवाले से, आपके शो के प्लेटफॉर्म के जरिए मैं तमाम शादीशुदा लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि दुख सुख सोच समझ के बांटा करें, ये स्क्रीनशॉट का जमाना है। वाह 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 वाह। अच्छा ये स्क्रीन और यार हमारे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इतना यंग कोई होस्ट मैंने देखा नहीं जो इतना बड़ा शो कर रहा है। 24-25 साल का होस्ट है, इसके लिए तालियां हो जाए। इसके लिए तालियां होनी चाहिए, इतनी जल्दी अचीव किया भाई ने मेरे। और जल्दी आपने, बहुत जल्दी अचीव किया, मतलब आए और आप छा गए, ये बात सच है? नहीं नहीं, इसके पीछे कुछ होगा राज, जो लोगों को नहीं पता। मेरा ख्याल है हम दो इंटरव्यू तो हर जगह देते रहते हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में एक बता दें जरा। ये तो बताएं ना, लोग समझ रहे थे वो एक वीडियो से आप वायरल हो, उसके पीछे भी कुछ होगा ना। उसके पीछे क्यों, आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरी पता है, कुछ लोगों को पता है, लेकिन 19 में जो मेरी वीडियो वायरल हुई जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो जिस वक्त मेरी वीडियो वायरल हुई तो उज़्मी भाई, बरकत भाई, उस वक्त आई ऑलरेडी, मेरे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे और मैं तकरीबन 23,000 वीडियोस अपलोड कर चुका था। 23,000 उफ, जो कि आई थिंक पाकिस्तान के हिसाब से वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ही होगा। लेकिन मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि मैं वेट कर रहा था इस मोमेंट का, मैं इंजॉय कर रहा था, मैं वो जर्नी इंजॉय कर रहा था, मैं वो पूरा जो एक सफर था वीडियोस बनाने का। और अल्लाह ताला ने यही सोचा होगा कि इसकी तीन सालों से ये जो बेचारा कर रहा है, मैं 3 सेकंड में इसकी गेम। वाह 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 वाह। तो वो मैं जावेद मियां दास साहब के बारे में बता रहा था कि अगर मिसाल लेनी है तो उनसे सीखें आप लोग कुछ, क्योंकि पिच पे खड़े रहें, खेलते रहें खेलते रहें खेलते रहें, जब लूज बॉल मिले छक्का मार दें बेशक, लेकिन विकेट ना छोड़ें अपनी, बस बस वो कंसिस्टेंसी, वो परसिवियरेंस, गिव अप नहीं आपने करना, लगे रहना आपने। क्या बात, जो भी आप कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कभी लड़ाई हुई है? हमारे बीच में नहीं हुई, दोनों में आपस में हुई है लड़ाई। अगर हो तो कौन मनाता, मनाता कोई नहीं, एक शो आ जाता है, यूं होती है, यूं होती है, यूं होती है, और उसके बाद खत्म। फिर उसके बाद कोई शो आ जाता है, उसकी पेमेंट ज्यादा होती है, हम लोग मिल जाते, सही हो जाता है, पैसे आ रहे हैं, मिल जाओ मुल्क के मुफाद के लिए, हाँ इसलिए हम मिल जाते हैं। हाँ। आप ये देखो यार, आप छोटी सी बातें हम डिस्कस कर रहे थे कि यूरोप में जिस उम्र के लड़के नई नई चीजें दरियाफ्त कर रहे होते ना, पाकिस्तान में उसी उम्र के लड़के शादी के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं। ये कैसी बात है? मतलब जो यहाँ पर होता है वहाँ नहीं होता, जो वहाँ होता है यहाँ पर नहीं होता। जी जी, आप देखिए पाकिस्तान वहाँ वाला अगर यहाँ होने लगे तो क्या बात है, वो भी इस गर्मी में। हाँ ये तो फिर भी हम गर्मी में आए यार, हम पिछली बार सर्दियों में आए लाहौर में, सर सर्दियों में लाहौर आए, इतनी सर्दी है और इतनी धुन, इसको कोई धुन में थप्पड़ मार गया, इतनी धुन, ये धुन थी, वहीं से बाल गिरे मैं। हाँ ये देखो ना, अब देखो पाकिस्तान से बाहर जब बच्चा बड़ा, देखो मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं बच्चों की अगर बात चल रही है, पाकिस्तान से बाहर जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो वो मुख्तलिफ चीजों पे तहकीक कर रहा होता है। और हमारे मुल्क में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, वो पता क्या कह रहा होता है? क्या? मुझे लगता है मेरी वाली जो है ना, नौमान से भी बात करती है। ये चीजें हैं जो अभी तक हैं हमारे यहाँ, अल्लाह करे ये दूर हो जाए, कि हमारा फोकस क्या है, हमने किस में जाना है। कि देखिए बात वही ना, कि मैच्योरिटी वो नहीं है जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैच्योरिटी वो है जब आप छोटी छोटी बातों को समझना शुरू करते हैं। वाह 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 वाह, आप ये पढ़ाने हैं? नहीं मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ाऊंगा। वो इंग्लिश की एक लाइन है कि व्हाट यू डू इन प्राइवेट डिफाइंस हु यू आर इन पब्लिक। वाह 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 वाह, अकेले में आप क्या इंसान हो, उसकी बेस पे आप क्या इंसान हो, आप वो इंसान बनते हो। पब्लिक के सामने तो हम सारे टिप टॉप होके निकलते हैं, लेकिन अकेले में आप कैसे हो? सर वो एक बात है ना, कि अल्लाह आप, हम सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं, क्योंकि आप जिस तरह का टैलेंट है
वो कहते हैं ना, कदर और वक्त की बड़ी अहमियत है। आप जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। हाय 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 हाय, मुझे बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसे क्यों दो वो क्यों नहीं देता, वो क्यों नहीं देता। ये भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक बात देना चाहूंगा बहुत सी मुल्की लड़कियों को कि आपने शादी नहीं की। तो आपने शादी नहीं की, लेकिन आपके ज्यादातर जोक्स बीवियों पर होते हैं। हाँ, इसका क्या सर? नहीं, मर्दों पे भी होते हैं सर, मर्दों पे भी इक्वल होते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब शादी के शोज करते हैं हम, कंपनीज के शोज करते हैं, इसमें खवातीन होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो बात को शुरू करने के लिए बात करते हैं, और अक्सर मियां बीवी इंजॉय भी करते हैं कि छोटी छोटी जोक्स पे हम बात लेके चलते हैं, क्यों इंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ के मर्द देखे ना, जब अकेले घर से बाहर निकलते हैं ना, औरतों को घूर रहे होते हैं, और जब बीवी के साथ बाहर निकलते हैं ना, मर्दों को घूर रहे होते हैं। ये देखे ना, स्ट्राइकी है। और हमारे मुल्क में मर्दों ने कभी भी हुकूक नहीं मांगे, जब भी मांगा सेल नंबर मांगा, तस्वीर मांगी। शादी से पहले मंगेतर के नखरे मंगेतर के नखरे उसके पीछे 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 पीछे, ये बदल क्यों जाते हैं मर्द शादी के बाद? हाँ, ये क्यों कहती हैं औरतें? लेकिन अब जो है ना, प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले फोन पे वीडियो कॉल पे इतनी बातें हो जाती हैं कि शादी के बाद कोई बात करने को रहती नहीं है, झगड़ा रह जाता है सिर्फ। तो भाई इससे इज्तनाब करें, ठीक है आपका रिश्ता हो गया कहीं, तो थोड़ा हफ्ते में एक बार बात कर ली, महीने में कर ली, लेकिन अगर आप सारी बातें पहले ही कर लेंगे तो बाद में सिर्फ कुंडी रह जाएगी और कुछ नहीं। अब आप देखो, अगर हम बात करें ना, अब आप देखो बीवी के लिए शौहर से ये कौन सा कानून है कि तुम्हें खाना भी मैं ही पका कर दूं? शौहर कह रहा है ये दुनिया का कानून है, दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना हुकूमत ही फराम करती है। वाह। देखिए बात पता है क्या, सिर्फ बात इतनी सी है, मैं हमेशा कहता हूं, मैं बीवियों से कहता हूं, प्लीज अपने अपने शौहरों की कदर करें, और मैं शौहरों से कहता हूं कि प्लीज, ये स्पेशली शौहरों के लिए मैसेज है कि अपनी अपनी बीवियों की कदर करें, जो एक सूट लेने के लिए पूरी दुकान का सत्यानाश कर देती है और उन्होंने आपको पसंद किया। ओए होए 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 होए, वाह, उन बीवियों के लिए तालियां। इस पे तो किनके लिए? बीवियों के लिए, बीवियों के लिए तालियां ना, और शौहरों के लिए। अच्छा, कुछ बीवियों की एक आदत समझ में नहीं आती, क्या है कि दोपहर को पड़ोसन से शौहर की बुराइयां करती है और रात को शौहर से पड़ोसन की बुराइयां करती है। उसमें भाई आपने एंजेलिना जोली के साथ क्या काम, अच्छा पॉज लिया आपने, एंजेलिना जोली के साथ माइटी हार्ट में काम किया। हाँ। जी जी जी, अदनान भाई ने भी किया था, और वो हमें बता रहे थे कि उनके और एंजेलिना के बीच में ब्रैड पिट एक दीवार बन के खड़े हो जाते थे। ये हकीकत है? अदनान भाई ने आपको मिसगाइड किया। कैसे? अदनान भाई बहुत चालाक आदमी है, उन्होंने आपसे झूठ बोला है, क्योंकि वो लोग ब्रॉड माइंडेड है, वो तो दीवार नहीं, वो तो पुल बनाते हैं। जाइए मिलिए वहां पर, वो क्यों मना करेगा? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा इरफान खान के साथ सीन था मुंबई में। अच्छा, तो बहुत ज्यादा इरफान खान के साथ सीन था। सीन था फिल्म में सीन था। एंजेलिना से मुलाकात हुई थी? एंजेलिना से मुलाकात हुई, वो एक ही होटल में हम लोग रुके हुए थे। अच्छा, आप और एंजेलिना एक होटल में? इरफान खान, मैं, होटल था। अच्छा, माशाल्लाह, एक आंटी ने देखकर, एक आंटी ने कहा था कि जब मैं टीवी पे इन दोनों को देखती हूँ तो मैं टीवी बंद कर देती हूँ। आपको पता है इस बारे में? जी। अरे ये तो बहुत आंटियों ने कहा है, तो एक बहुत सारी आंटियों ने कहा है, और हर हर शहर में कहा है।